झरोखा चैनल में हम आपका एक बार फिर स्वागत करते हैं और आज हम जानेंगे कि परीक्षा में फीचर कैसे लिखा जाता है। इसके पहले हम यह जान चुके हैं कि परीक्षा में आलेख कैसे लिखें, तो चलिए आज हम जानते हैं कि परीक्षा में फीचर कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले तो यही जान लेना ज्यादा उपयुक्त होगा कि फीचर किसे कहते हैं। तो देखिए, फीचर किसी घटना के सजीव चित्रण को फीचर कहते हैं। यह किसी घटना पर केंद्रित होता है, इसलिए फीचर लेखन में पात्र की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है और सारा घटनाक्रम उसी पात्र के इर्द गिर्द घूमता है। और अब हम जानते हैं कि फीचर लेखन के प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं। तो देखिए, इसके प्रमुख बिंदु जो हैं वो छह हैं। पहला है आरंभ। आरंभ बिंदु के अंतर्गत हम किसी ऐसी घटना का वर्णन करते हैं जिससे पाठक के मन में उत्सुकता पैदा हो जाती है और वह पूरे फीचर को पढ़ने के लिए आंतरिक और मानसिक रूप से तैयार हो जाता है। दूसरा है बिंदु मध्य। फीचर लेखन के मध्य भाग में घटना का प्रस्तुतीकरण क्रमबद्ध रूप से किया जाता है। इससे पाठक के सामने पूरा घटनाक्रम सिनेमा की रील की तरह एक के बाद एक प्रस्तुत होता रहता है और उसकी रुचि बढ़ती जाती है। तीसरा बिंदु है चरम, चरमोत्कर्ष। जब घटना की सूचनाओं का उत्कर्ष रचा जाता है तो उसे फीचर का चरम बिंदु कहते हैं। वहां पहुंचकर लेखक सभी तथ्यों और रहस्यों को प्रकट कर चुका होता है। चौथा बिंदु है समापन। समापन फीचर लेखन का वह बिंदु है जहां पर पूरी घटना का विवरण प्रस्तुत करने के पश्चात लेखक पाठक के मन में चिंतन करने के लिए कुछ विचार और कुछ सवाल छोड़ देता है। पांचवा बिंदु है भाषा शैली। प्रत्येक लेखन में भाषा शैली को सरल, सहज और प्रवाहपूर्ण तो होना ही चाहिए, पर फीचर लेखन में वह लालित्यपूर्ण भी हो, यानी काव्यात्मक भी हो, कविता जैसी तरलता भी उसमें हो, तो फीचर ज्यादा प्रभावी हो जाता है। और छठवां बिंदु है निष्कर्ष। सब तरह के लेखन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बिंदु भी यही होता है, यानी निष्कर्ष। फीचर लेखन में उसकी महत्ता कुछ ज्यादा है क्योंकि वही समापन की भूमिका भी निभाता है। इसमें घटना पर आधारित प्रश्नों और विचारों की परिकल्पना प्रस्तुत की जाती है। यह विधि पाठक को अपने साथ जोड़ लेती है और वह भी अपने मन में विचार करने लगता है। उसमें वह सवालों को खोजने और उनके जवाब देने के लिए तत्पर हो जाता है। अब हम जानते हैं कि फीचर में एक विशिष्ट बिंदु होता है नेता, वो क्या है। नेता का तात्पर्य है नेतृत्व करने वाला। तो फीचर में कोई एक ऐसा बिंदु होता है जो उसका मुख्य नेता हो जाता है, नेतृत्व करता हो जाता है और सारी घटनाएं उसके इर्द गिर्द घूमती हैं। तो यह जो नेता नामक बिंदु है, यह जितना ज्यादा सक्रिय होगा फीचर भी उतना ही ज्यादा प्रभावपूर्ण और दूसरों तक अपनी बात को पहुंचाने वाला बन सकेगा। तो इस तरह इसका जो विशिष्ट बिंदु नेता है वो हमने इसको जाना। अब जानते हैं कि फीचर लेखन का उद्देश्य क्या होता है। देखिए, फीचर लेखन का उद्देश्य यह होता है कि पात्रों की सहायता से किसी घटना का सजीव प्रस्तुतीकरण करना। यह तभी संभव है जब फीचर लेखन की शैली अत्यंत आकर्षक हो, रोचक हो, पाठक पढ़े तो उसमें डूब जाए। फीचर लेखन सूचना और ज्ञान प्रदान करने के साथ साथ मनोरंजन भी करता है।
और एक रचनात्मक सुख भी प्रदान करता है। ये उसकी विशिष्टता है और ये उद्देश्य अगर हम पूरा नहीं कर पाते तो फीचर जो है अपनी कसौटी पर खरा नहीं उतरेगा। अब हम जान लेते हैं कि फीचर लेखन के कितने प्रकार होते हैं। फीचर लेखन के प्रमुख रूप से 6 प्रकार हैं। पहला है खोजपरक। खोजपरक फीचर वो होता है जिसमें हम किसी विषय में कुछ खोजपूर्ण बातें सामने लाते हैं। दूसरा है साक्षात्कार फीचर। इसमें हम किसी के साथ इंटरव्यू करते हैं, बातचीत करते हैं, पर प्रश्न और उत्तर शैली में न लिख करके उसको हम एक फीचर की तरह, एक घटना की तरह उन बातों का विवरण प्रस्तुत करते हैं। तीसरा है जीवन शैली। हम किसी व्यक्ति की जीवन शैली को अपने फीचर लेखन की का विषय बनाते हैं। और चौथा है रूपात्मक फीचर। रूपात्मक फीचर का मतलब है जिसमें हम परिकल्पनाएं करें, कल्पनाएं करें और फिर उस पर फीचर लिखें। मान लीजिए हमें स्वर्ग के बारे में परिकल्पना करनी है या एक युद्ध के बारे में परिकल्पना करनी है, तो हम उसकी कल्पनाओं के जरिए ही उन सब परिस्थितियों को प्रकट करते हैं। और पांचवा है व्यक्तिगत फीचर लेखन। इसके तहत हम खुद अपने जीवन के बारे में या किसी दूसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में फीचर लेखन करते हैं। छठवां है यात्रा फीचर लेखन। अगर हम कहीं यात्रा पर जाते हैं और उस यात्रा के दौरान हमारे जो अनुभव हैं, हमने जो देखा है, हमने जो महसूस किया है, उनको जब हम रोचक तरीके से प्रस्तुत करते हैं तो वह यात्रा फीचर कहलाता है। इस तरह आज हमने जाना कि परीक्षा में फीचर कैसे लिखते हैं। आपसे अनुरोध है कि कृपया इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नीचे ही एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें आप जा करके हमारी वेब लिंक के जरिए आप वेबसाइट पर जा सकते हैं और वहां से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल उठ रहा हो तो उसे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, हम उसका उत्तर जरूर देंगे। धन्यवाद।